नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त, ओवरऑल अगर हम कल के सेशन की बात करें तो मार्केट में हमने एक मिला जुला पॉजिटिव ट्रेड देखा, जहां हमने कॉटन और कपास के प्राइजेस में आधे से पौने पर की तेजी आते हुए देखी। वहीं कॉटन सीड ऑयल के, जैसे कहा था कि मार्केट में कोई पोजिशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट 1870 से लेकर 1930 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल 1930 का लेवल नहीं तोड़ता है, हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, या 1870 का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। कल पूरे दिन मार्केट ट्रेड रेंज में था, बट एकाएक दोपहर में हमने देखा कि प्राइजेस ने 1930 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल है वो तोड़ चुका है। नाउ मार्केट की कल की क्लोजिंग शॉर्ट कवरिंग के चलते 1948 के ऊपर करीबन 3.25% की तेजी के साथ आया था। एज ऑफ नाउ मार्केट तेजी में जरूर है, बट एग्जॉस्टेड रैली है, मीन्स 200 पॉइंट की तेजी के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट। अब इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट 2000 का लेवल तोड़ पाता है कि नहीं। तो आज का ट्रे हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, 1930 के ऊपर हमें बाय करके ही काम चलना है, जो ऊपर में आपको 1975 से लेके 1990 तक का भी लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक फैक्टर की अगर बात करें तो गेन हमने इसलिए भी देखा है कि काफी हैवी रेंज तेलंगाना साइड है, जिसकी वजह से वहां पे कुछ क्रॉप को थ्रेट है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि पिट बॉल वॉर्म का जो कंसर्न है वो बढ़ रहा है। गुजरात में भी हमने बारिश काफी अच्छी आते हुए देखी है। इंटरनेशनल में नो डाउट कॉटन के प्राइजेस में कोई बड़ा जंप नहीं है, नो डाउट वापस 64 का लेवल रिगेन कर गया है, क्योंकि यूएस बोल रहा है कि डील नहीं हो पा रही है, जबकि चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, जिसके चलते कॉटन इंटरनेशनल प्राइजेस को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल धीरे धीरे फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और की रेजिस्टेंट लेवल, जैसे कॉटन में हमने कहा 16,850 का लेवल की है, अगर वो तोड़ेगा तो ही तेजी पकड़ेगा। साथ में कॉटन से ऑयल केक की अगर बात करें तो 1930 पे अटक गया था, अब 1930 का लेवल तोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है। साथ में CAI का जो अपडेट आया है उसमें बताया गया कि इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट है वो 19% लाइकली है बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं काफी सपोर्टिव रहेगा। साथ में हमने देखा इंडिया एक्सपेक्ट टू सेल अराउंड 1.5 मिलियन बेल कॉटन टू बांग्लादेश टू कट दी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक, तो बांग्लादेश में भी माल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब धीरे धीरे सपोर्ट दिखा रहा है। चार्टिकली अगर हम देखें तो कॉटन के लिए अभी भी 16,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक ने कल के दिन हमने ये 1930 का लेवल ब्रीच कर दिया है, तो अब ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 1990 मतलब 1985 पकड़ के चलो, अगर ये तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम 2060 तक का भी लेवल देख सकते हैं। टेक्निकली मार्केट अब स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, आज हमें लेके ही काम करना है जो 1975 से 1985 तक का लेवल दिखा देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक सभी अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।